नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ खुशी। अगर आप बिहार से हैं तो तेज प्रताप यादव को जरूर जानते होंगे, और अगर यहां से नहीं भी हैं तो उन्हें कौन नहीं जानता है। और इसकी वजह बस ये है कि उनका एक अनोखा अंदाज है, चाहे वो कृष्ण बनकर लोगों के लिए एक्ट करना हो या भूतिया बातें करना हो, हर चीज में तेज प्रताप यादव बहुत ही आगे रहते हैं। और ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जब एक वीडियो बहुत ही तेजी से बिहार में फैलने लगा है, और इस वीडियो में अचानक से तेज प्रताप यादव ने थानेदार को कॉल लगा दिया। आप देखिए पहले इस वीडियो को। किसी से हम भगवान से डरते हैं, आप पृथ्वी पे अगर किसी से डरते हैं तो अपने पिता से डरते हैं, और माने ना किसी से नहीं डरते हैं। राजीव नगर थाना, कांड संख्या 267/21 से जस्मीन फोन पे था। हेलो, हाँ प्रणाम। ये कह रहे थे कि एक महिला हमारे पास आई हुई है, नाम जैस्मीन, तो इनके घर में कुछ लोगों ने कब्जा करके इनको मारा पीटा गया है, और ये बता रही हैं यहाँ, क्योंकि हमारा जनसभा भी चल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय से हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे तो इनका FIR इनका लिया गया कि नहीं लिया। 267/21 267/21 करके है, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए एक बार। हाँ अच्छा, ये हम बोल रहे हैं ना, जो महिला जो है यहाँ पे बैठी हुई, इनका जो जो जिस तरीके से बताइए ना, आप अपना बताइए यहाँ थाना के। जिस दिन से हमने 8 तारीख एक बार इनका सुन लिया जाए, जो महिला है एक बार सुन लिया जाए। 8 तारीख से जो मैं हूँ घर से, मुझे 5 बजे भोर में बांध के बेहोश करके बाहर फेंक दी गई है दोनों बच्ची के साथ। मैं थाना गई तो थाना मुझे कुछ नहीं दिया, मैं DSP के पास गई तो DSP ने बोला पागल है, एक नाइटी पहन के गई हो तो तेरे पागल है, निकाल के बाहर फेंक दो इनको। मेरी खाली एक आवेदन लेके मेरी केस ले ली है। उसके बाद अगर मैं घर जाती हूँ, 3 तारीख को मैं घर गई तो मुझे मारपीट करके फिर से निकाल दिए। वो लोग 30 लाख का सामान लेके थे, वो लोग रिवॉल्वर लेके थे, जो अगर नए मारपीट के एक है बम, एक है सिन्हा जो मेरे सामने पड़ोसी है, बोलते हैं जो मुस्लिम को रहने नहीं देंगे आप, क्योंकि आप मुस्लिम हैं, हम लोग जो है भूमिहार है और थाना जाते हैं। जैसे है ना कि इनकी जो समस्या जो हुई है, जो यहाँ पे जो है जो झेल रही है, इनकी 2 छोटी बच्चियाँ हैं यहाँ पे आई हुई हैं। हेलो हेलो, ये स्थिति हो गया कि प्रशासन के लोग इन्हें सुन रहे, फोन काट देते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तो बोले किसने हाँ, तो बंधे होने से नहीं हुआ, आपके साथ अन्याय जब हो रहा है तो आपको न्याय मिलेगा, पूरे तरीके से हम लोग तत्पर हैं कि आपको न्याय मिले, और सड़क पर आंदोलन करो, सड़क पर जाकर आंदोलन होगा, इनको न्याय हम लोग दिला के रहेंगे, जितने भी यहाँ छात्र नौजवान। आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरीके से एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ तेज प्रताप यादव के पास शिकायत लेने लाकर पहुंची, और उसको देखकर तेज प्रताप यादव ने लगा दिया थानेदार को फोन। ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें महिला शिकायत कर रही थी और उसकी सुनवाई ना होने पर तेज प्रताप यादव ने थानेदार से शिकायत की है। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। धन्यवाद।